ललितपुर जनपद में मिट्टी के खनन का अवैध कारोबार चरम पर है। आरोप है कि चंद रुपयों का लालच देकर या डरा धमकाकर किसान से अनुमति के नाम पर अंगूठा लगवा लिया जाता है। यह सरकारी ग्राम पंचायत की जमीन पर प्रधान की साठ गांठ से दवंगई से मिट्टी बेचने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील महरौनी की चौकी खितवांस के गांव अंडेला में कुछ दबंग जेसीबी और सात आठ ट्रैक्टरों से मिट्टी का अवैध खनन कर मिट्टी बेचने का कारोबार चला रहे हैं। आरोप है कि दबंग निजपाल सिंह, सुमेर सिंह और तेज सिंह मिलकर इस अवैध रूप से खेत से मिट्टी निकालकर बेचने का कारोबार कर रहे हैं। ग्राम अंडेला और इसके आसपास के इलाके से लाखों रुपए की मिट्टी निकालकर बेची जा रही है। एक ग्रामीण के बुलाने पर हमारे संवाददाता को देखकर पहले दबंगई से डराने की कोशिश की गई और जब पत्रकार ने कवरेज करना शुरू किया तो कैमरे को चलता देख ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर भाग गए। सुनिए हमारे संवाददाता की जुबानी अवैध खनन की कहानी। के दौरान क्या परेशानी हुआ था? जी, मैं एक मैरोनी का गांव है खितवास के पास अंडेला जी। मैं अंडेला गया तो मैंने देखा कि 8-10 ट्रैक्टर्स और एक जेसीबी एक किसान के खेत में मिट्टी खोद रहे थे जी। मैंने इसका कवरेज किया कि मैं अगर आपके पास कोई अनुमति है मिट्टी खोदने की, तो अनुमति तो नहीं थी और अवैध रूप से मिट्टी का खनन चूंकि जनपद ललितपुर में आम हो गया है, हर गांव में मिट्टी खोदना, हर गांव में मिट्टी बेचना, तो मैंने उनका विरोध किया। हमने ना विरोध करते, मैंने ओनली कवरेज किया जी। कवरेज करने पर वो गुंडई पे दबंगई पे आमादा हो गए। उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ली और धमकाने लगे। किस तरह की धमकी दी? कोई कि आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे, आप यहाँ से निकल नहीं पाओगे, हम आपका कैमरा फोड़ देंगे, तमाम तरह की ऐसी उन्होंने बातें की। जाके मैंने शांति से उसको सुना और अपना पेशेंस नहीं खोया और मैं निकल आया। मैंने आके चौकी जो खितवास लगती थी मैंने वहां से शिकायत दी कि थोड़ी सी हल्की और मैं चलाया। आज हमने उसको खनन अधिकारी से इस बारे में वार्ता की, लेकिन चूंकि वो व्यस्त रहे आज उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। देखना है प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। जी धन्यवाद।